हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं केले की फूल की सब्जी, जो कि बहुत ही प्रोटीन से भरा होता है। इसमें फाइबर भी होते हैं, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे इसकी कलियाँ कैसे निकालनी है, इसे छिलना कैसे है। इसे छिल के कि एक एक को निकाल के इसके अंदर की डंटियां जो होती है उसे निकाल देने हैं। इसमें जो ये होता है ना, इसे नहीं खाते हैं, इसे निकाल देते हैं। और ये एक के अंदर एक ही होता है, इसका ये जो ये हार्ड वाला पोर्शन होता है ना, इसे भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी कलियां निकाल लिया है। अब हम इसमें हल्दी और नमक मिक्स कर लेंगे और इसे 6 घंटे के लिए छोड़ के रख देंगे, इसे रेस्ट करने के लिए देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी मिक्स करेंगे, ऐसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 6 घंटे हो चुका है। 6 घंटे के बाद ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा काला हो जाएगा। अब हम इसे उबाल लेंगे। इसे एक उबाल देना है ताकि इसका लसापन जो होता है वो हट जाए। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। तो देखिए, इसे हमने उबाल लिया है और इसका पानी जो था उसे हमने निकाल दिया है। ये ऐसा ही दिखता है, थोड़ा काला कलर का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सब्जियों में प्याज, आलू, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मिर्च भी एडेड है, और ये हमने लिया है फोड़न के लिए। ये है इसमें, ये है जीरा और मिर्च, सूखा मिर्च है। तो चलिए, हमने पैन में 4 चम्मच तेल डाला है। अब हम ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। मिर्च भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन कर चुका है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। रखे भून जाए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़्यादा हेल्दी भी है। देखिए, अब 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे और इसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जीरा पाउडर और धनिया 1/2 चम्मच, बड़ी चम्मच से ये। अब इसे भी 2 मिनट भूनेंगे। अब हमारा
हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें केला का फूल डालेंगे जो हमने बॉइल करके रखा था, और इसे भी 7 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। 7-8 मिनट तक फ्राई करना है इसको। सात मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 कप। अब इसे 10 मिनट पका लेंगे, ढक देंगे इसे, ऐसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। हम ऑफ कर लेंगे और देखने की खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है चावल या रोटी के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन भी दबा दें। बाय।